सो ही व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि बिकी क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन का कौन सा कंट्रोल किस लिए काम करता है GTA 5 गेम के अंदर। बल हाँ गाइस, काफ़ी सारे गेम पे वैरी करता है कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करने वाला है। बल हम यहाँ पे पूरा तुम्हें कंट्रोल एक्सप्लेन करने वाले हैं GTA 5 गेम के बेस पे। कुछ कंट्रोल्स के यहाँ पे 2-3 काम होते हैं, तो वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हम यहाँ पे बात करेंगे एंड तुम्हें सभी कंट्रोल्स को समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे तुम्हें करने वाला हूँ। ओके, तो तुम्हें करना क्या है, बस वीडियो को बिना स्किप करे वॉच करना है। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, सपोज कि मैंने जैसा कि कहा, कुछ बटन्स का 2-3 काम होता है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई कॉल आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए तुम्हें ए बटन को प्रेस करना होता है। ओके, जैसे तुम यहाँ पे कुछ मिशंस का ऐसा होता है कि तुम उस मिशन को अप्लाई तभी कर सकते हो जब तुम कोई कॉल उठाओ, तो तुम इस बटन को यूज़ कर सकते हो ताकि तुम कोई भी कॉल रिसीव कर सको एंड आगे अपने मिशंस को कंटिन्यू कर सको। ओके, एंड जो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर के बटन से, ऊपर जो भी बटन्स है, तो ऊपर एक बटन है जिससे तुम अपना कैमरा एंगल एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है जिससे अब मैं कैरेक्टर्स के साइड की चीज़ें और भी अच्छे से देख सकता हूँ। ये हम फर्स्ट पर्सन में आ चुके थे, तो इसको 2-3 बार प्रेस करने से यहाँ पे 3 मोड्स हैं, एक नॉर्मल, एक जिससे आप सब लोग काफ़ी सारा एंगल पे देख सकते हो, ज़्यादा व्यू ले सकते हो, एंड एक फर्स्ट पर्सन, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड उसके राइट में एक 3 डैश वाला बटन आप सब लोगों को देखने मिल रहा होगा। यहाँ पे आप सब लोग मैप को एक्सेस कर सकते हो ए प्रेस करके, एंड लेफ्ट एनालॉग बटन से कंट्रोल कर सकते हो कि किस लोकेशन को आपको मार्क करना है, एंड अपने हिसाब से यहाँ पे जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। जैसे LT प्रेस करने से आप सब लोग जूम आउट कर सकते हो एंड RT प्रेस करने से जूम इन कर सकते हो। ओके, तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है जिससे आप सभी लोग यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो, एंड बैक कर सकते हो बी बटन को प्रेस करके। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप सब लोगों को कोई लोकेशन मार्क करनी हो तो अपने लेफ्ट एनालॉग बटन से मैं यहाँ पे मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, जाके जिस उसे उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आप सब लोगों को मार्क करना है उस लोकेशन पे अपनी जॉयस्टिक को लेके जाओ एंड ए प्रेस कर दो उस जगह को मार्क करने के लिए। ओके, देन बी बटन को दबा के बैक आ जाओ एंड फिर यहाँ पे देख सकते हो वो लोकेशन मार्क हो चुकी है, एंड इस तरह से यहाँ पे तुम मैप को यूज़ कर सकते हो। अब जिस भी कार में मैं यहाँ पे जाके बैठूंगा, जस्ट वो लोकेशन का एक पार्ट, जितना भी उसका रास्ता होगा वो एक ब्लू डैश पे बन जाएगा, एक पर्पल लाइन तुम लोग को मैप पे दिख रही होगी जिसको फॉलो करते करते तुम किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा तुम्हें जब तुम कोई मिशन को करोगे, एंड कोई मिशन जो साइड मिशंस होते हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क होता है, वो सारे मिशंस को तुम जा सकते हो उस पे मार्क करके ईजिली। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। एंड नेक्स्ट थिंग पे जो है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके नीचे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे LT LB देखने को मिलेगा। हमने ऊपर के 2 बटन्स को क्लियर कर लिया है, एंड अगर तुम्हें मैप के अलावा दिखाऊँ चीज़ें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस पर ये जो 4 जॉयस्टिक वाला बटन है इससे कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे चीज़ें। लास्ट में आप सब लोगों को सेटिंग्स एंड गेम मिशंस जो भी आप करोगे यहाँ पे आप सब लोगों को शोकेस होगा। बेसिकली तुम कह सकते हो यहाँ पे तुम GTA 5 में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे तुम देख सकते हो वगैरह वगैरह, एंड सेटिंग्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो क्या क्वालिटी होगी। एंड अगर तुम्हारे पास गन है तो तुम LT प्रेस करके यहाँ पे गन को एम कर सकते हो। ओके, ये बटन का एक दूसरा यूज़ है। ओके, पहला यूज़ भी तुम्हें बताऊंगा। LB से तुम यहाँ पे कोई भी गन को निकाल सकते हो, एंड जो तुम्हारा राइट एनालॉग बटन है उससे यहाँ पे तुम कोई भी गन को चूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास गन होगी तो। ओके, एंड अगर नहीं पता कि गन कैसे लाते हैं तो उसके लिए मैंने चीट कोड्स वाली वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। एंड LS को प्रेस करोगे दोस्तों तो मैं यहाँ पे ऐसा नर्वस मोड में चलने लगोगे, नर्वस तो नहीं कह सकते, शांति से, जिसमें आपसे लोग के स्टेप्स के आवाज़ नहीं आते। ये कुछ मिशन में काम आता है जिसमें आपसे लोग को ऐसे चलना होता है, तो तुम इस बटन को भी प्रेस करके यहाँ पे ऐसे चल सकते हो। ओके, एंड ये तो मैंने इसके गन्स के लिए बता दी थी, इसका कार में भी यूज़ है तो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, ध्यान से देखते रहो। बस ऊपर का ये जो बटन है तुम्हारा फ़ोन का ओपन कर सकता है, अगर तुम्हें फ़ोन को ओपन करना है तो तुम ओपन कर सकते हो एंड इसी बटन से यूज़ कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे 4 जॉयस्टिक बटन है इसमें तुम कोई भी बटन को प्रेस करोगे तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो ये इस बटन का काम है। एंड इसके नीचे तुम्हें एक लास्ट में बटन देखने को मिल रहा होगा इस पार्ट पे, तो इससे तुम कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पता नहीं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है ये वर्क करता है। मेरा नेट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे तुम इसको प्रेस करोगे, इसको वर्क करना चाहिए भाई यार, कर जाए यार वर्क। ओके, तो जैसे तुम इसको प्रेस करोगे तुम कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो अपने। ओके, मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ अगेन, एंड ओके, यहाँ पे देख सकते हो तुम इस तरह से कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो अपने। एंड तुम्हारा राइट एनालॉग बटन से तुम यहाँ पे स्विच इन, जिस पे भी होना है उस पे बस डायरेक्शन लेके जाओ अपना राइट एनालॉग बटन को, तुम उस कैरेक्टर पे स्विच हो जाओगे। एंड नेक्स्ट थिंग जो है तुम यहाँ पे कर सकते हो वो है तुम्हारा
उसी जॉयस्टिक बटन के अंदर यहाँ पे तुम्हें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लाइक अभी हमने दो को निपटाया है, ओके। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके लिए हमें कार में बैठना पड़ेगा, इसके लिए मैं कार में आया हूँ। ये बटन को प्रेस कर सकते हो एंड ये बटन से तुम अपना रेडियो कंट्रोल कर लोगे। जब भी कार में आप सभी लोग बैठोगे तो कोई ना कोई गाना बज रहा होगा, तो लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो उससे अपना चेंज कर सकते हो गाना। एंड यहाँ पर तुम्हारा जो राइट बटन है उससे तुम ऐसी कोई भी कार होगी जिसका विंडो ओपन हो सकता होगा, लाइक ऊपर का टॉप रूफ, तो वो वहाँ पर तुम सेट कर सकते हो, लाइक अंदर भी डाल सकते हो बाहर भी निकाल सकते हो, ओके। एंड LT प्रेस करोगे तो कार पीछे आएगी, RT प्रेस करोगे तो कार आगे जाएगी, लाइक बेसिकली ड्राइविंग के लिए बटन्स हैं। RT प्रेस करने से कार आगे जाती है एंड LT से पीछे आती है, ओके। वेल, अगर ब्रेक मार रहे हैं तो कौन सा बटन प्रेस करना है, LT प्रेस करते हैं काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी यही करता हूँ, बिकॉज कि भाई इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी ब्रेक लगता है एंड भाई रिवर्स में चल जाती है गाड़ी, तो सही ब्रेक है। एंड जो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे तुम कर सकते हो वो RB से ब्रेक मार सकते हो, ओके। बेसिकली ब्रेक मारने का बटन RB ही होता है, खाली LT जो होता है वो लाइक रिवर्स में जाने का बटन होता है। लाइक मैं तुम्हें अगर करके दिखाऊँ एक बार, तो RB प्रेस करोगे तो हमें कर सकते हो ब्रेक का बटन है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारी बैक व्यू को लेके, लाइक अगर तुम्हें पीछे का व्यू भी देखना है, लाइक कार में बैठे बैठे अगर तुम कार चला रहे हो और पीछे का ट्रैफिक वगैरह तुम्हें देखना है, तो तुम RS को प्रेस कर सकते हो। कार चलती कार है, तुम्हें पीछे का व्यू देखना है, पुलिस वगैरह कितनी बड़ी है, तो RS प्रेस करो एंड तुम्हें पूरा बैक व्यू देखने को मिलेगा। मतलब ये चीज़ तुम्हें चलते हुए भी तुम यहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक जब तुम वॉक करते होगे नॉर्मली तो भी तुम RS प्रेस करोगे तो तुम्हें बैक व्यू देखने को मिलता है, ओके। देन अगर तुम्हें कार्स वगैरह में चढ़ना है उतरना है तो वाई प्रेस करना होता है, तो मैं बेसिकली ये बात है, ओके। एंड नेक्स्ट जो बटन हमारा है उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले। लाइक अब हमारे बेसिकली फिजिकल बटन से, लाइक जिससे हमारा कैरेक्टर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, लाइक ए प्रेस करोगे तो भाई कैरेक्टर स्प्रिंट करता है, लाइक फास्ट भागता है, ओके। एंड उसको तुम अपने लेफ्ट जॉयस्टिक बटन से क्लियर मतलब देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में भगाना है। एंड एक्स बटन से जंप करता है बेसिकली। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक कार है जिस पर अगर तुम्हें चढ़ना है, लाइक कोई भी वॉल वगैरह हुई जिस पर तुम्हें चढ़ना हो तो भाई एक्स को प्रेस करना, ओके, ये मिशन में काम आता है। एंड नेक्स्ट थिंग जो है तुम्हारा यहाँ पे लाइक फाइट वगैरह को ले गया है, तो फाइट करने के लिए तुम्हें लाइक गन्स भी यूज़ कर सकते हो एंड भाई मुक्के भी चला सकते हो, ओके। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट मैं तुम्हें गन्स को यूज़ करना बता देता हूँ। मैंने तुम्हें गन्स को निकालना बताया था, ओके। गन्स को तुम गन शॉप से बाय कर सकते हो, बाकी चीट कोड से भी मंगा सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारी गन्स है, तो मैं एक गन यूज़ करता हूँ एंड आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि भाई गन्स कैसे चलानी होती है, ओके। गन्स चलाने के लिए बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, बस जिसके भी सामने तुम्हें लाइक जिसको उड़ाना है जिसको उठाना है जो भी तुमको हो, बस LT प्रेस कर दो, एम पे ले लेगा। एंड RT प्रेस करना होता है फायर के लिए। वैसे तुम ऐसे भी चला सकते हो गन्स को, बस तुम्हें लाइक जिसका एम बैठाना होता है तो कभी कभी हम LT प्रेस करते हैं। एंड RT से फायर होता है, हम सबको पता है, एंड RT जैसे मैं तुम्हें बताया। एंड रिलोड करने के लिए बी बटन को प्रेस किया जाता है, इससे तुम अपनी गन को रिलोड कर सकते हो पहले ही, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो तुम, मैं लाइक ऑलमोस्ट मैंने सारे कंट्रोल एक्सप्लेन कर दिए हैं X और B को छोड़ के, लाइक सॉरी X भी मैंने कर दिया जंप करने के लिए। एंड कार में बैठने के लिए Y बटन होता है एंड कार से उतरने के लिए भी Y बटन होता है। एंड अगर तुम्हें किसी के साथ फाइट लेनी होती है तो वो B बटन होता है, ओके। लाइक यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई भी कैरेक्टर के साथ तुम्हें फ़ाइट लेनी है तो B बटन से तुम फाइट ले सकते हो, ओके। सिंपल बटन्स हैं एंड बस इतने ही बटन से यहाँ पे थे जितने यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया। तो यही था इस वीडियो के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। एंड भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।